नेशनल हाईवे 58 पर मुजफ्फरनगर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बस के पलट जाने से दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ये भीषण सड़क हादसा तेज रफ्तार डबल डेकर बस के अनियंत्रित होने से हुआ, जिसमें बस डिवाइडर पर पलट गई। बस के पलट जाने से उसमें सवार महिला पुरुष चालक सहित 13 लोग घायल हो गए, जिनमें चालक की हालत की गंभीरता को देखते हुए उसे हायर सेंटर में रेफर किया गया। बाकी सभी घायलों का उपचार मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। डबल डेकर बस उत्तराखंड के हरिद्वार से अजमेर पुष्कर जा रही थी और बस में 100 के पार सवारियां भरी हुई थी। पलटी हुई है धोला पुल के पास में, बस पलटी है डबल डेकर बस जो कि हरिद्वार से जयपुर की तरफ जा रही थी राजस्थान। उसमें कम से कम 13 मरीज है, जिनमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी हैं। क्या हालत किस तरह की है? हालत ऐसी है, दो मरीज वो सीरियस थे, जिनमें से एक को रेफर कर दिया गया है, एक को भी हमने सीटी के लिए भेजा हुआ हेड के लिए, वो भी पेशेंट की हालत मतलब ठीक ही है। ये महिलाएं पुरुष और बच्चे बताए जा रहे हैं? जी हाँ, ये महिलाएं पुरुष और बच्चे भी हैं, उनमें 2-3 से 4 बच्चे हैं, 6 से 7 महिलाएं भी हैं और 2 से 3 पुरुष हैं। आपके हॉस्पिटल से किस तरह की जो है व्यवस्था की जा रही है? व्यवस्था भी उनको फर्स्ट एड हमने दे दिया है और जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो हम बिल्कुल अपना वो बेस्ट दे रहे हैं उसमें।